चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए केसी सिन्हा का जो सोल्यूशन चल रहा था उसके आगे हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग का प्रॉब्लम है नौ का दूसरा ना जी। कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ। शून्यकों का योग मैंने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और कितना दिया हुआ है जीरो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस तीन, है दिया हुआ है। कह रहा है द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, किसको ज्ञात करें, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालेंगे तो सूत्र आपको बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताए थे। यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान जीरो, तो जीरो इंटू एक्स हो गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान माइनस तीन, तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर, आई हो जाएगा जीरो, जीरो से कोई गुना होता जीरो नहीं आता है, जीरो हो गया, आई प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो गया तीन हो गया, यही समीकरण बन गया, है समझ में। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। अगला बोलिए, अगला बोलिए, जल्दी किताब रखिए, जल्दी बोलिए फटाफट बोलिए। नौ के दो हो गया ने, नौ के तीन चार पाँच कौन बतावे, नौ में यार बताना है, पूछना है नौ के जल्दी बोलो, नौ में किसी को पूछना है तब बोलो। पाँच, चलिए नौ के पाँच देखिए, नौ के पाँच में देखिए क्या कह रहा है, दस बटा तीन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, मतलब पहला जो दिल है मूलों का योगफल दे ले, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दस बटे तीन, मूलों का गुणनफल कितना दे है एक, यही दिया हुआ है। सूत्र सेम रहेगा, सूत्र सेम नहीं रहेगा, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जितना अधिक से अधिक लिखिएगा बोलिएगा याद हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा के मान दस बटे तीन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान एक, तीन है जो हर में रहता है उससे सब में गुना कर दो, जो भी हर में रहता है उससे सब में क्या करना है गुना करना, तीन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स और तीन कम तीन, ये हो गया सुभाष समीकरण, आए समझ में। चलिए यार बोलिए जल्दी, छो चलिए छो में देखिए क्या कह रहा है, छो में कह रहा है माइनस एक बटे दो, अरे माइनस एक बटे दो ये नहीं रे, माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो मतलब मूलों का योगफल दिया हुआ है माइनस एक बटे दो, और मूलों का गुणनफल भी किया दिया हुआ है माइनस एक बटे दो, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर द्विघात सूत्र ये वाला रहल देते हैं, कोई दिक्कत है, रहल देते हैं इसी को, समझ जाइएगा। द्विघात समीकरण दिल है, मान लिया जाता है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस एक बटे दो एक्स और प्लस माइनस एक बटे दो, अब देखिएगा ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में है, ये हो माइनस में है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक बटे दो एक्स और प्लस एक बटे दो है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ने। अब दो है, दो को एलसीएम ले लिए, दो और दो का एलसीएम कितना होगा, दो 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 का एलसीएम दो, और दो से सब में गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक गुना एक्स क्या एक्शन होगा, अब माइनस दो से दो कट गया तो कितना बचेगा एक, ये आपका समीकरण हो गया, हुआ ने। इस तरह से आपका जो है द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र पर सीख गए आप, चलिए ठीक है नोट कीजिए। नोट हो गया, चलिए बोलिए अगला हिसाब। हाँ बारह के, ग्यारह बना लिया है, दिखाओ ग्यारह हमको सब, ग्यारह दिखाइए पहले आप लोग, दिखाओ कॉपी, बारह पूछा है तो ग्यारह का हमको दिखाओ जीरी, कहाँ डंटा लाओ, दिखाओ ग्यारह तो बोली पूछी, ग्यारह दिखाओ सब, चलिए ध्यान दीजिएगा ग्यारह नंबर से, बनाता नहीं पूछबो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक अलग हिसाब है, ये देखिए क्या कह रहा है, जानते हैं कह रहा है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्यकों का वर्ग है, शून्यकों का वर्ग है, तब वर्ग है कहा है, तो इसको सबसे पहले आप निकाल लीजिए शून्यक,
इसका कौन सी निकाल लीजिए, शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर निकाल लेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी ये निकलेगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी, बी का मान माइनस एक के स्क्वायर माइनस चार गुने ए का मान एक और सी का मान माइनस एक, ये ना हो गया। अरे यहाँ से निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, आइए एक माइनस माइनस प्लस चार कितना हो गया, पाँच नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस चार गुने एक चार चार एक पाँच। अब यहाँ से पाँच निकल गया, मूल बराबर निकालिए। तो मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी बटा टू ए। तो माइनस बी मतलब कितना, माइनस एक है आए। अब प्लस माइनस डी का मान कितना हो गया, पाँच हो गया, तो रूट में हो जाएगा। और गुने दो गुने एक, एक का मान एक है ने। चलिए अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया कितना, प्लस पाँच प्लस माइनस रूट पाँच बटा में दो, ये नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एक बार अल्फा तो प्लस वाला है कहाँ, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा नहीं, चलिए यहाँ एक हो जाएगा। अब देखिए अगर अल्फा लेंगे तो प्लस वाला, अब बीटा लेंगे तो माइनस वाला, तो लिख सकते हैं हम अल्फा बराबर प्लस वाला तो वन प्लस रूट पाँच बटे दो, अब बीटा बराबर लिख देते हैं वन माइनस रूट पाँच बटे दो। आगे समझ में आया, समझ में कुछ, चलिए अब देखिए अल्फा बीटा का मान निकल गया, लेकिन कह रहा है शून्य कि इसका वर्ग है, तो इसका वर्ग निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, वर्ग निकाल लीजिए। तो अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, तो अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो वन प्लस रूट पाँच बटे दो का होल स्क्वायर, कुछ समझ में आया। अब इसका निकालिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बटा में कितना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक के स्क्वायर एक प्लस दो रूट पाँच और प्लस पाँच बटा में चार, तो कितना हो जाएगा, पाँच एक छः, छः प्लस दो रूट पाँच और बटा में चार, दिख रहा है दो, यहाँ यहाँ भी है इसमें भी है, दो कॉमन लेते हैं, दो कॉमन लेते हैं ना, तो दो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन प्लस रूट पाँच, तीन प्लस रूट पाँच और बटा में चार, कट गया दो बार में, तीन प्लस रूट पाँच बटे दो, ये निकल गया अल्फा स्क्वायर का मान। अब निकालना है हमको किसका मान, बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे, इतना नोट कीजिए फिर हम बताते हैं आगे। देखिएगा इसके आगे अल्फा स्क्वायर हो गया, अब निकालेंगे बीटा स्क्वायर, क्या निकालेंगे, बीटा स्क्वायर निकालिए, बीटा स्क्वायर, बीटा के मान कितना था, वन माइनस ने वन माइनस रूट फाइव बाई टू के होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। अरे यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा बीटा के मान, होगा नहीं। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा एक के स्क्वायर एक माइनस दो रूट पाँच प्लस पाँच बटा चार, ये हो जाएगा छः माइनस दो रूट पाँच बटा चार, हाँ पाँच में से एक गया तो कितना हो जाए, छो ने, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे तो दो कॉमन लिया तो तीन हो गया, तो तीन माइनस रूट पाँच बटे चार, कट गया ने। अब क्या बन गया, तीन माइनस रूट पाँच बटे दो। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का भी मान निकल गया, बीटा स्क्वायर यानी उसका वर्ग, मूलों का वर्ग हो गया, वर्ग माने स्क्वायर, तो मूलों का वर्ग हो गया। अब निकालना है यहाँ से समीकरण, अब यहाँ से निकालना है को जी समीकरण, तो समीकरण निकालने के लिए सूत्र तो अब ये बताएं, दुगात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के मान आप बोलिए, ये वो क्या अल्फा के मान कितना है, हाँ इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि देखिए समझ में आ जाएगा और बढ़िया से जगह बन जाएगा। पहले हम निकाल लीजिए क्या चीज़, अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तीन प्लस रूट पाँच बटे दो और प्लस तीन माइनस रूट पाँच बटे दो, ये ना हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा लंबा होगा तो पहले निकाल लेते हैं हम, दो और दो का एलसीएम कितना होगा दो, तो तीन प्लस रूट पाँच और प्लस तीन माइनस रूट पाँच, कट गया आए, हाँ तीन और तीन कितना हुआ, छः बटे दो, छः बटे दो, तो ये कितना हो गया, तीन हो गया आयन रे। अब निकालें किसका मान, अल्फा इंटू बीटा का मान,
काला फाइन टू बीटा भी निकाल लीजिए। 3 + √5/2 अगुने 3 − √5/2। यहाँ पर देखिए a + b a − b, a + b a − b, यानी a² - b² तो यहाँ पर जाएगा a² तो 3 के स्क्वायर और √5 के स्क्वायर 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 - 5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट समझ में आएगा ना। और यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 = 4, तो 9 में से 5 गया 4, 4/4 कितना हो गया 1 हो गया। आया समझ में? अब समझ में आया सबको रे? नहीं आया तो बोलो, आया समझ में? अब देखो यहाँ से समीकरण बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया? 3, तो 3x, अल्फा इंटू बीटा के मान 1, तो यही आंसर आ गया आपका। है समझ में? तो ये आंसर हुआ, इसको पहले निकाल लेना है, फिर इसको निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ से समीकरण लास्ट में ये लिखना, लास्ट में रख देना, ठीक है? चलिए नोट कीजिए अब। चलिए बहुत बढ़िया हिसाब है, देखिएगा ये अगर पूछेगा तो सीधे एकदम 3 नंबर या 5 नंबर के भी दे सकता है, कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा, कैलकुलेशन वाला हिसाब है। यदि बहुपद x² + 10x + 30 के शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य कितना और इतना, यानी 2 + α + 2β और 2α + β है। अरे समझ में? बहुत ही बढ़िया हिसाब है। अब इसको समझिए, पहले निकाल लेंगे हम इसका मान, तो 10x + 30 दे ली, दुघात समीकरण दे लें, तो α + β बराबर क्या हो जाएगा? -b/a, मतलब हम लिख सकते हैं 10/1, मतलब लिख सकते हैं कितना? बोलो समझ में आया? अब लिख सकते हैं α × β, -10 होगा, हाँ, α × β बराबर c/a, 30/1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यहाँ तक जब समझ में आ गया तो यहाँ से निकालेंगे हम क्या चीज़, यहाँ से निकालेंगे हम अल्फा बराबर, तो ई देल है, कितना देल है? α + β बराबर ई देल है ने, तो निकाल लो यहाँ से मान, तो यहाँ से निकालेंगे हम मान, तो α + β बराबर, तो α + β बराबर ई है, मूल तो ई है, ये आया α + β बराबर ही, लेकिन ये नहीं है, अल्फा का मान ही है और बीटा का मान ही है, मतलब α + β ये पूरे कब जोड़े पड़ेगा, पूरे जोड़े पड़ेगा, तो α + β बराबर, तो इसका मान लिया जाए α′, मान लो, माना कि α′ + β′ बराबर, α′ बराबर मान लो इतना 2α + 2β और β′ बराबर मान लो 2α + β, ये ना मान लिए, कुछ मान लेंगे तब गड़बड़ाएगा नहीं, है ना? अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे α′ + β′ बराबर, तो α′ + β′, तो α + 2β और +2α + β, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं α कितना? 3α और β 3β, 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? α + β हो गया ने, और 3 × α + β के मान -10, तो कितना हो गया? ये बोलिए, -30 हो गया, कितना हो गया? यहाँ तक समझ में आया? -30 आ गया मान किसका? α′ + β′ का। अब निकालेंगे α′ × β′। चलिए अब निकालते हैं α′ × β′ बराबर, अल्फा के मान क्या माने हैं? α′ के मान α + 2β, तो α + 2β अगुने 2α और +β, समझ में आ रहा है? देख रहे हैं ने? अब α + β का मान यहाँ पर ही है, तो α × β का मान यहाँ पर ही है, ठीक है? अब इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 2α × α, 2α² बढ़िया समझिएगा, 2 × 2 = 4, α × β, समझ में आ रहा है ने? अब बीटा से करिए, क्या हो जाएगा? α × β, इसको गुना कीजिए +2β² गुना कर लिए। अब गुना करने के बाद इसको एक तर कर दीजिए, जोड़ लीजिए, तो देखिए जब हम देख रहे हैं कि 2α 2α, यहाँ 2α 2β है, तो इसको एक तर लिख देते हैं, लिख दिए, और इसको लिख दीजिए 4 × 1 = 5α × β, हुआ कि नहीं हुआ? अभी 2 और 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? α² + 5α × β, और α² + β² सूत्र याद कराएं, याद कराएं है ना?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला सूत्र आ जाएंगे। yes, बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा और प्लस पांच अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से लिख लीजिए दो गुने अल्फा प्लस बीटा के मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस दस के होल स्क्वायर और माइनस दो गुने तीस, तीस नहीं जी, और यहाँ से प्लस पांच गुने कितना हो गया तीस। अब यहाँ से हो जाएगा दो गुने सौ माइनस साठ और प्लस कितना हो गया डेढ़ सौ, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं दो गुने कितना हो गया चालीस, तो चालीस हो गया प्लस कितना हो गया डेढ़ सौ, यानी अस्सी प्लस एक सौ पचास कितना आया दो सौ तीस। तो यहाँ अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान निकला और यहाँ निकला किसका मान, अल्फा प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान निकला। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अब सिर्फ समीकरण बचा बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, सबसे पहले देखिएगा यहाँ से आपको पहला समझिए कि समीकरण दिया हुआ है, दूसरा कलर का मार्कर या नहीं है देखिए, तो ये ब्लू मार्कर है ये तो समझ में आएगा ज़्यादा, नहीं तो रेड वाला ये रूम में होगा गो। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस तीस है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है ना, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस सी बटा ए सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, तो सी बटा ए का मान निकाल लिए यहाँ से, सी बटा ए का मान निकाल लिए ने, सी बटा ए का मान निकाल लिए, नया नया मार्कर तीन चार गो सब लाता है उसने मार्कर वह चुन के लाया है लगता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी का मान, सी बटा ए का मान तीस हो गया, कितना हो गया तीस हो गया, तो तीस हो गया माइनस दस हो गया। अब देखिए यहाँ पर उसका दो गो मूल दिल है, हालांकि मूल तो अल्फे बीटा होता है लेकिन अल्फा बीटा नया दिल है, अल्फा अल्फा के मान अलग और बीटा के मान अलग दिल है, तो एक मान लेते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश, अल्फा डैश और बीटा डैश, तो देखो यहाँ पर अल्फा डैश के मान माने और बीटा डैश के मान मान लिए, एक्स प्लस टू बीटा अल्फा प्लस टू बीटा और टू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से निकाल लीजिए फिर मूलों का योग, अल्फा डैश इन प्लस बीटा डैश, तो अल्फा प्लस बीटा वाला जानवे करते हैं, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लिए तो अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस बी बीटा ए निकल रही है दस, दस रख दिए तो कितना हो गया तीस हो गया। यहाँ पर भी वैसा ही है, अल्फा इंटू बीटा गुना किए तो दो एक कम दो, तो दो एक अल्फा स्क्वायर और दो दूनी के चार, चार अल्फा बीटा, बीटा से गुना किया तो अल्फा इंटू बीटा और यहाँ से किया तो दो बीटा स्क्वायर। अब इसको एक तर कर दिए दो बीटा दो अल्फा को, दो कॉमन ले लिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आई चार एक पाँच, पाँच अल्फा बीटा वन रे। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इस सूत्र होबे करता है, सूत्र होता है ना। अब देखिए यहाँ से दो कॉमन, दो तो कॉमन ले लिए थे, अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान रख दीजिए माइनस दस, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए तीस, तो दस के स्क्वायर सौ में से साठ गया, तो सौ में से साठ गया चालीस, चालीस गुने दो अस्सी आई डेढ़ सौ, कितना हो गया दो सौ तीस। अब यहाँ से समीकरण खाली बना दीजिए, समीकरण आप लोग को पता है ही, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश देना है क्योंकि यही मान रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया तो एक्स स्क्वायर ये हो गया अल्फा पर ये अल्फा डैश बीटा डैश के मान कितना हो गया माइनस तीस, तो माइनस तीस के प्लस तीस लिख दिए आई एक्स अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दो सौ तीस, यही आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हिसाब दिया हुआ है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक एक और माइनस तीन है, एक और और उसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता के भी जांच करना है, तो पहले पढ़े तो वही हिसाब रिटर्न वाला है ना हिसाब है जी, तो सिंपल है जी, शून्यक दे लाइए यानी अल्फा बराबर एक और बीटा बराबर माइनस तीन, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लीजिए एक और माइनस तीन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस, तो वन माइनस तीन तो कितना हो जाएगा माइनस दो हो गया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए कितना हो जाएगा एक गुने माइनस तीन, कितना हो जाएगा माइनस तीन, समझ में आ गया, तो ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या चीज, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये तो बताएं भी थे, ये तो बन जाता हम तो छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस कर दें समझ आ जाएगा ने, यहाँ एक्स हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस माइनस एक लाइन में कर दिए, असत्यता की जाँच करना है यहाँ फिर निकाल लीजिए मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, इसी कर लेना है अल्फा प्लस बीटा नहीं निकल जाएगा
ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या तो फिर डी बराबर करके निकाल सकते हैं, मूल निकाल लेना है सबके, खोज निकाल लेना, या तो गुणनखंड विधि से अगर टूट रहा है तो वैसे तोड़ लेना है, मतलब फिर से ही जे है उसी को ला देना है, वही हुआ सत्यता की जांच, ठीक है। हाँ बस जो है उसी को ला देना आंसर को, वही हो गया सत्यता की जांच। है समझ में? चैप्टर ही समाप्त हो गया, इसको जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए छाप लीजिए आज के इस क्लास के लिए, आप लोग को ही बंद किया जाता है इस चैप्टर को खत्म होने के बाद, ठीक है।